अगर आप भी क्रोम के इस बुकमार्क ऊपर जो बार दिखती है इससे आप बोर हो गए हो तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ। अब देखो अब कैसा लग रहा है, कस्टमाइज लग रहे हैं ना सारे बुकमार्क, ये सब एक जगह मिल गए एंड सिर्फ आपको क्रोम के राइट और लेफ्ट में बुकमार्क बार दिख रही है जिसके थ्रू आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि बार बार आप बुकमार्क वाले ऑप्शन में जा रहे हो फिर उसके बाद ढूंढ रहे हो बुकमार्क, वो बड़ा लेंदी तरीका है, तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वी प्ले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन इससे पहले देखो लॉक को। तो अपन बुकमार्क की ये साइड बार है ना, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये एक्सटेंशन होता है क्रोम का, इससे फटाफट से जो बुकमार्क होते हैं ना वो आराम से आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड आपको सिर्फ एक जगह दिख जाएंगे। ये नहीं कि लंबे लंबे तरीके से जाना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओ, बुकमार्क शॉर्टकट में जाओ, फिर उसके बाद अंदर ढूंढो बुकमार्क, वो लंबा तरीका है। तो अपन क्या करते हैं, पहले क्रोम में आ जाते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो बुकमार्क साइड बार। तो पहले नंबर पे आपको साइड दिख जाएगी ये chrome.google, गूगल का जो वेब स्टोर होता है ना जिसमें एक्सटेंशन ऑन करते हैं उसकी ये लिंक है। यहाँ से आप देख सकते हो उसकी रेटिंग भी कितनी अच्छी है, 4.6 अराउंड है। एंड बस सिंपली आप कर दो ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन पे चले जाओ, उसके बाद इंस्टॉल होने दो। ये हो चुका है, अब ये इसका सेटअप करने को आ गया। तो अपन करते हैं सेटअप नाउ। तो ये कह रहा है वेयर डू यू वांट टू हैव योर साइड बार टू अपीयर, लेफ्ट में चाहते हो या राइट में चाहते हो। मेरे ख्याल से मेरे को राइट में सही रहेगा, ठीक है। स्टाइल कौन सी प्रेफर करोगे, मैं डार्क करता हूँ क्योंकि मैंने क्रोम की थीम भी डार्क कर रखी है। उसके बाद कह रहा है कि आप अपने साइड बार को किस तरह से ओपन करना चाहोगे, लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, माउस ओवर करके और क्लिक ऑन आइकन करके। तो मेरे लिए माउस ओवर सही रहेगा क्योंकि जब भी मैं माउस को उस तरफ ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो बुकमार्क खुल जाएगा। तो मैं माउस ओवर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्राई करके देखो, मैं माउस को इधर कोने में ले जाता हूँ। ओ भाई साहब आ गए ना बढ़िया तरीके से। देखो मेरे पास 414 बुकमार्क है, मैंने इतने सारे बुकमार्क सेव कर रखे हैं एंड इस पर क्लिक करोगे तो आराम से मिल जाएंगे। ये नहीं कि पहले क्रोम में ऊपर ऊपर दिखता है, वो बहुत गंदा लगता है। जब भी माउस को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर फटाफट से मिल जाएंगे, आपकी फेवरेट वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया कन्फिगर करने को कह रहा है, एक बार कर लेते हैं। ये कह रहा है कि बुकमार्क की जो एरिया है ना वो कैसा चाहिए आपको, वाइड चाहिए, इतना चौड़ा, हल्का सा चौड़ा कर लेते हैं जिससे हम जब भी माउस को उधर ले जाए ना तो आराम से खुल जाए वो। विड्थ कह रहा है विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, हाइट इतनी सही है, मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसके बाद ये अपने एक्सटेंशन के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और सेट कर लेते हैं, अपन अपेरेंस में जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट थीम सेट है, अपन यहाँ पर इसके कलर भी सेट कर सकते हैं, टाइप फेस चेंज कर सकते हैं कि किस तरह के फॉन्ट हैं इसमें। ये नाइट मोड एंड डार्क मोड तो आपको पता ही है, कलर थीम चेंज कर सकते हैं किस तरह का है। ऊपर आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे मेरे को पर्पल या रेड भी अच्छा लग रहा है, पर्पल ही रहने देता हूँ। एंड आप इसका प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करोगे ना तो आप इसमें थीम भी सेट कर सकते हो। जैसे अब ये तो डिफ़ॉल्ट है एंड ये जो अच्छी अच्छी दिख रही है ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी थीम, तो आप ये और डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन बाय करोगे तो। वैसे आपका इसका फ्री वेयर भी बहुत परफेक्ट है, आराम से अच्छे से वर्क करता है। जैसे मैं एक बार यूट्यूब खोलता हूँ एंड चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वैसे हर वेबसाइट पर वर्क करेगा, मैं सिर्फ इस पर चेक कर रहा हूँ। देखो मैं इधर ले जाऊँगा, हाँ वाह क्या फटाफट से आ गया एंड आराम से कोई और साइड पे भी चले जाते हैं, जैसे गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कोने में ले जाके वर्क करता है क्या, वाह फटाफट से आ गया। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बुकमार्क बनाने हैं एंड वो ऑटोमेटिक आप राइट में जाओगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, बस इतना सा है एंड इतने आराम से एक्सेस कर सकते हो, लाइफ इतनी आसान हो गई है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय।